गाइस, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। मुंबई से नागपुर जो बुलेट ट्रेन है उसका सर्वे शुरू हो चुका है। मतलब पहले से भी उन्होंने किया था सर्वे, लेकिन अभी अभी उन्होंने सर्वे फिर से, उनका फाइनल टचअप अभी भी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कंफर्म न्यूज़ है और बहुत खुशखबरी है आप लोगों के लिए, जो भी लोग समृद्धि के बाजू में रहते हैं उनके लिए, क्योंकि उनकी ज़मीनें फिर से जाने वाली है। तो शायद आप लोगों के पास और पैसा आने वाला है। बस यही खुशखबरी थी आपको दिखानी थी कि यहाँ पे सर्वे करके लोग गए और उनकी उन्होंने ड्रोन से सर्वे किया। 50 मीटर अंदर तक उन्होंने सर्वे किया। इसका रूट जो है वो पेपर न्यूज़पेपर में था। मैंने कटिंग एक न्यूज़पेपर की कटिंग देखी, उसमें था कि औरंगाबाद से नासिक, शिरडी, शिरडी से नासिक था। मतलब शिरडी से औरंगाबाद और औरंगाबाद से नागपुर की तरफ जो रूट है वो साउथ साइड है। इस रोड के साउथ साइड जो भी लोग हैं, साउथ साइड रहने वाले, उनकी ज़मीनें फिर से जाने वाली है। और शिरडी से नागपुर नासिक जाएगी, मतलब समृद्धि को ओवरटेक करेगी, मतलब ओवर पास करेगी। ऊपर से नागपुर नासिक की तरफ जाएगी और नासिक से मुंबई, आई थिंक नॉर्थ साइड से ट्रेन जाने वाली है, लेकिन रोड के साइड से ही जाएगी। बहुत ज़्यादा दूर उसे नहीं भेजा जाएगा। 50 मीटर तक शायद रेंज होगी, 50 मीटर तक उनकी रेंज होने वाली है, ऐसा सुनने में आया है। और हम लोगों ने उसे उन लोगों से पूछा भी था कि क्या है, कैसा है, तो उन्होंने बताया था कि इतना इतना है, ऐसा ऐसा है। कुछ जगह पे 50 मीटर से ज़्यादा है, क्योंकि इंटरचेंज है इस रोड के लिए, इंटरचेंज बन रहे हैं, तो उस पे थोड़ा सा बाहर से उन्होंने उन्हें ले जाना पड़ेगा। तो यही खुशखबरी थी। और आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारे इधर जो लोग हैं उनकी प्रिपरेशन कैसी है इसको लेके। तो चलिए देखते हैं लोगों की प्रिपरेशन। हम आ गए हैं समृद्धि के उस साइड्स पे जिस साइड से उन्होंने सर्वे किया, और इसी साइड से शायद बुलेट ट्रेन जाने वाली है। तो चलिए लोगों की प्रिपरेशन देखते हैं। ये देखो, आपको दिख रहा होगा क्या अजीबोगरीब मिट्टी पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे एक वेल को खोदना शुरू है काम। वेल खोदी जा रही है, क्योंकि वेल हो चाहे शटर हो चाहे अपना अगर घर है, आपका हाउस है उसके अंदर, तो उसका जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी अच्छा निकलता है। तो लोगों की प्रिपरेशन देखो, देखो पहले से ही उन्होंने पेड़ लगा के रखे थे, लेकिन फिर भी ये देखो, ये पेड़ लगा हुआ है लेकिन फिर भी वो वेल खोद रहे हैं। इसे जेसीबी से इन्होंने खोदा, थोड़ा खोद के छोड़ दिया, क्योंकि अभी उसे अलग तरीके से खोदना पड़ेगा। लेकिन ये लोगों की प्रिपरेशन है कि अगर यहाँ से ब्लड ट्रेन जाती है तो इसे वो अपनी ज़मीन में लगा देंगे, तो इसका वैल्यूएशन निकलेगा और इसका भी पैसा मिलता है, और अच्छा पैसा मिलता है। ये देखो, ये घर है, अगर इस साइड से रोड होता है ना, ये इन्होंने पेड़ लगाए, ये देखो खेत के अंदर ही लगा दिए हैं बिना कोई प्रिपरेशन के। बस ऐसे ही लगा देना और सर्वे के लिए, या फिर इसका जो जब चेक करने आएंगे ना, तो उसके ऊपर इन पेड़ों की नोंदनी कर दें। ये सामने वाला घर, इन्होंने भी अपनी प्रिपरेशन की रखी है, तो देखते हैं उनकी प्रिपरेशन। ये देखो, ये उनके घर के आगे ये पेड़ उन्होंने लगाए हैं। ये देखो, तो छोटा है बट इसका भी वैल्यूएशन निकलता है। सॉरी, तो इसका भी वैल्यूएशन निकलता है, क्योंकि ये पेड़ है, जो भी पेड़ इसके होते हैं ना फ्रूट, तो उसका वैल्यूएशन अच्छा निकलता है। इस तरह से इधर के लोगों ने प्रिपरेशन करके रखी हुई है, आप लोग भी करके रखो, क्योंकि बहुत फ़ायदा है
गवर्नमेंट इन पेयर्स का या फिर जो कंपनी होती है या जिसे भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है ना गवर्नमेंट थ्रू, वो इनका अच्छा मुआवजा देती है किसानों को। ओके, तो आप भी करके रखो, बहुत हाई चांस है कि ट्रेन जाने वाली है। दो बार सर्वे हो चुका है और अभी इसका थोड़ा फास्ट हो चुका है क्योंकि इस गवर्नमेंट ने इसे थोड़ा सीरियस ले लिया। बीजेपी गवर्नमेंट ने इससे पहले फडणवीस सरकार ने इसे इसका ऐलान किया था, पर इस सरकार के आने के बाद शायद लग रहा था कि अब नहीं होगी। तो देखा आप लोगों ने, हाँ जैसे मैं कह रहा था कि शिवसेना की सरकार आने के बाद शायद लग रहा था कि अभी ये नहीं होगी, पर उन्होंने भी इसे सीरियस लिया क्योंकि सेंट्रल ने अनाउंसमेंट किया था कि पूरे भारत में, पूरे देश में 12 ऐसे रूट हो गए बुलेट ट्रेन के लिए, जिसमें से मुंबई से नागपुर है और नागपुर से बाद में वो कोलकाता और बनारस की तरफ शायद ले जाने वाले, तो उसी का ये भाग था, इसलिए उन्होंने उसे बनाना उसे उन्हें पड़ेगा। तो यही खबर थी, तो होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फुटेज वगैरह मैं कुछ दिखा नहीं सकता क्योंकि इसकी फुटेज कुछ है ही नहीं, बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। और उन लोगों का शूटिंग मैं नहीं कर सका जो लोग सर्वे के लिए आए थे, तो बस यही थी। और इसमें कुछ अपडेट होती है तो ज़रूर आप तक पहुँचाऊँगा, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन की घंटी बजा के रखो। अगर कोई वीडियोज़ मैं डालता हूँ तो इसकी अपडेट आप तक सबसे जल्दी पहुंचाऊंगा, अगर कोई इसकी हलचल ग्राउंड रिपोर्ट पे होती है, ग्राउंड स्तर पे होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ओके, तब तक के लिए बाय।